साधना चश्मा लगा के तैयार है। साधना चश्मा में इतनी अच्छी लगती, इतनी आंटी लगती के जैसे। नहीं आंटी के जैसी नहीं, देखो आज खुद ही बोल ले आंटी के जैसे। हाँ 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 सर, तुम क्या हो, हमें नहीं क्या था पहले। नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं कह ही नहीं रहा था आंटी, पता है कमेंट में भी कहता आदमी। नहीं कोई नहीं कह रहा यार, कहता ही कई जने के साधना आंटी जैसी लगा चश्मा में। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे, आई होप गाइज आप सभी बढ़िया होंगे। आपने टाइम देखा, अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, तो देखो जल्दी से उठ के तैयार हो गया मैं, तो नहा भी लिया और जल्दी हॉस्पिटल जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, जल्दी से जाएंगे तो जल्दी आ जाएंगे। लास्ट टाइम जब लेट गए थे तो पूरा दिन भर वहाँ हो गया था, तो इसलिए आज सुबह से जल्दी से तैयार हो गए। और ये तीसरा अल्ट्रासाउंड है, लास्ट अल्ट्रासाउंड बचा है साधना का। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, साधना कर रही है सुबह की पूजा। गुड मॉर्निंग राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे राधे। फिलहाल बज रहे हैं 8:39 और हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल। जय हो माता रानी। तो गाइज फाइनली अल्ट्रासाउंड हो चुका है, सो चलो चलते हैं घर पे। देखो जी बन गई आंटी चश्मा लगा के। अरे दूरा पड़ा था आंखन में। का पड़ा? दूरा दूरा पड़ा था इनकी आंखन में। Day breaks and I'm burned by the morning light. I'll make the same mistake more. फिर आपने देखा टाइम 10:30 बज चुके हैं और हम लोग घर पे आ चुके हैं अल्ट्रासाउंड करवा के, और अभी तक हमारी वीडियो नहीं आई, तो हमें सुबह जल्दी अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ा, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया सुबह सुबह जल्दी जल्दी। तो चलो अभी करते हैं, और थोड़ा सा डिले हो गया, सॉरी उसके लिए। साधना अस्पताल से आते ही साथ खाना खाने लगी, और ये देखो कल की रखी थी बासी रोटी और ये कद्दू की सब्जी। किन्ने बनाई कद्दू की सब्जी? मम्मी ने। अभी बनी आज। और रोटी? रोटी रास्ती है। इतनी भूख लग रही तुम्हें? लग रही तुम्हारे बहुत। हल्का फुल्का खाओ, इतना हैवी खाना नहीं खाना चाहिए सुबह से। दवाई खाना है इतनी बड़ी बड़ी हैवी है, हैवी दवाई खाओ तो हैवी खाना खाने पड़ेगा। अब देखो दही में कद्दू मिला के खा रही। वाह कद्दू को रोए तो बना रहे तुम तो सब्जी से हैं। ले ओ। अरे वो ऐसा है को कद्दू में होगा नमक ज्यादा। हाँ। हम खाते नमक कम तो कोई स्वाद नहीं बैठ रहा। तो भाई हमने सोची दही को कॉम्बिनेशन करो जाए तो राय तो भी बन जाए और मीड़ के खप भी जाए। चलो तो ये देखो दही में अब कद्दू को मिक्स करके और फिर रोटी मीड़ के खाएगी। वाह बढ़िया। ऐसे ही तो कल इनके पापा सब कचू मिला के खा रहे थे, ऐसे ही जी हैं, ऐसे ही पापा की तो मोड़िया है। जस्ट अभी मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है, 10:50, आज 50 मिनट लेट हो गई है वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाए, बट कभी कभार किसी रीजन की वजह से ही डिले होती है वीडियो। अब आगे से कोशिश करूंगा कि डिले ना हो। साधना बना रही है बाबा बिच्छू और ये बन रहे हैं बाबा बिच्छू। देखो ये इनमें सांप है और बिच्छू भी है, और ये देखो छोटी छोटी पूड़ी भी है, और ये बड़ी पूड़ी भी बना रही है। क्यों बना रहे हो? अच्छा क्या है आज ये बताओ? बामी पूजने। आज बामी पूजने है, जहाँ पे सांप रहते हैं वो पूजने हैं, पूजा करनी है वहाँ की। क्यों क्या है आज? अरे ये पता नहीं, हम नहीं जाना। जो बेलना तुल कर बनते हैं वो बन रहे हैं आज हमारे यहाँ, बेलना तुलना है और फिर बामी की पूजा होनी है जहाँ सांप रहते हैं। तो कमेंट करना किस किस के यहाँ ये चीज की पूजा होती है और मनाते हैं, हमारे यहाँ तो मनाते हैं, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं इस चीज को? मम्मी से पूछते हैं कि किस चीज की पूजा है बताओ। नाग पंचमी के दिन दूध चढ़ा देते हैं। हाँ। फिर जो बेलना हो चढ़ा जा रहा तो पास रहो जाओ ढाई देना। हाँ। फिर जो बेलना मोड़न के बेलना तो नहीं जाता। हाँ। जितने अपने भैंसगंजा है उनकी चुटकी ले जाते हैं। अरे मुझे तो पता है, समझ ही में नहीं आओ का बोली मम्मी ने, पल्ले ही नहीं पड़ी। अरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो ना। बरसात भर सांप रहते थे होते। हाँ। तो बिनकी पूजा करी जाता है। अच्छा तो थोड़ा सा समझ आया गाइस, मम्मी ये कहना चाहती है मैं बताता हूँ। मम्मी ये बोल रही है कि जो बरसात के टाइम पे जो सांप होते हैं तो वो यहाँ वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि बारिश होती है तो उनके जो बिल होते हैं ना तो उनमें पानी चला जाता है, तो वो यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो ये जो समय होता है, इस समय बरसात खत्म होने वाली होती है तो सांप अपने घर पे वापस आ जाते हैं, तो फिर उनकी वहाँ पे पूजा की जाती है। राइट। हाँ कहाँ है जो पर्ची है? गणपति की। कहाँ की पर्ची? गणपति की। गणपति की मतलब गणपति का मतलब चंदा दो पैसा। तो चंदा क्यों ना, कि चंदा की पर्ची है। तो गाइस देखो ये चंदा की पर्ची है और ये लिखा है श्रीमती सरोज देवी। देवी हो आप? सरोज कही है, मैंने लगता है। चलो कोई बात नहीं। तो मम्मी ने कितना 100 रुपए दिए? चलो बढ़िया है, तो मम्मी ने 100 रुपए चंदा दे दिया। गाइज हमारे यहाँ बहुत जगह गणेश जी बैठे हैं असारी में, तो मम्मी सब जगह चंदा देंगी। वहाँ कितना दोगे? उतने तो जा रहा देने पड़े। उतने कितने? देखो आटे की बोरी है सर, आटे की बोरी और 1,000 रुपए है।
चलो बढ़िया। पूरी खाने हो तो खा लो, कितनी कुरकुरी बनाई। तो देखो साथ नाने बनाई है कुरकुरी पूरी। चलो करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। ये देखो आलू की सब्जी है और पूरी है बढ़िया गर्मा गर्म। मम्मी जा रही हैं पूजा करने के लिए। मंदिर जा रहे हैं क्या होता है, बामी पे जा रहे हैं, मंदिर पे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, शेरिया बाबा मंदिर है वहाँ जा रही है मम्मी पूजा करने के लिए। ओहो देखो स्कूल से चले आए, कपड़े आए हरे नीले कपड़ा पहन, लोअर पहन के स्कूल जाओ तुम। हमारे स्कूल में तो लोअर हमें तो पहने ही नहीं जान देते। देखो गाइस ये टी शर्ट और लोअर, कार्य लेस तो खोले जाते, लेस बंद नहीं आते हुए है, वो घरे आगे उतार नहीं तो है जूता। है सही है, उतार नहीं तो है। गुनगुन देखो ये दिखा रही है, कह रही हमारी दोस्त ने दिया ये, हमेशा के लाने, हमेशा के लाने दे दो तुम्हें। हमने वो चिमटी दे दी। चिमटी दे दी तुमने, बहुत दिनों से मांग रही थी। तो जो बता, जहाँ में चेन में तो है ही नहीं है, सही तो वहाँ दे दो। चिमटी अच्छी वाली थी आई, वो दोस्त ने उल्लू बना था, वो बिना चेन को जो दे दो भाई, मैं खुश हो गई, हमें बहुत अच्छी चीज मिली। कोई दिन बुके ना भी अच्छी आया, दिन अपनी बुक ना दे ही नहीं तो बुक के बदले का चुहल लेता है। मैं बाकी बुक ले लूं। हैं? वो तो बच जा रहे हैं, सो के उठी हूँ, देखो बर्फी उठा ले, बर्फी खा रही हैं, इतनी भूख लगी थी तुम्हें, सो के उठी और आंख खुली नहीं है। देखो पहली बात तो दोपहर में सोने नहीं चाहिए तुम्हें, जो दोपहर में सो के उठ रही, ये बर्फी हमारे घर पे ही बनी है, वही खान लगी है। देखो तो देखो गाइस साधना पन्नी लेके हाथ में पैसे लेके फिर से तैयार हो गई डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। तो आजकल हमारी जिंदगी चल रही है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाने के लिए, और फिर डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, और फिर अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और फिर डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। तो गाइज मैं तो इतना बोर हो गया हूँ यही लाइफ जीकर, क्या बताऊँ, लेकिन मजबूर हैं और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इसलिए अगर आपकी लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा चल रहा हो कि अल्ट्रासाउंड अस्पताल के चक्कर आपको लगाने पड़ रहे हों बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ ज़रूर जाएँ अस्पताल, क्योंकि अगर हम डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं तो डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, तो ज़रूर जाना चाहिए और ज़रूर इलाज कराना चाहिए टाइम टू टाइम। तो साधना का कंटिन्यू इलाज चल रहा है और मैं बिल्कुल भी उसमें ढील नहीं दे रहा हूँ कि भाई सही से इलाज नहीं करा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से इलाज करा रहा हूँ इसका। वीडियो चाहे छूट जाते ही, हाँ चाहे वीडियो लेट आए, वीडियो चाहे लेट आए, लेकिन इलाज टाइम टू टाइम हो रहा है साधना का। आज आपने देखा कि आज हमारी वीडियो एक घंटे लेट आई, लेकिन हम लोग हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच के टाइम पे अल्ट्रासाउंड करा के वापस आ गए थे घर पे। तो बहुत से लोग तो सबको बता दिया है क्यों अल्ट्रासाउंड क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत लोग कमेंट करते हैं कि क्यों अल्ट्रासाउंड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अल्ट्रासाउंड अब कितने बार बताऊँगा गाइस, आप लोग जिनको पता है और जो लोग कमेंट करते हैं प्लीज़ उन्हें कमेंट में बता दिया करो कि इतने अल्ट्रासाउंड क्यों हो रहे हैं और क्यों इतना इलाज चल रहा है साधना का, ये सब चीज़ें बता दिया करो। चलो शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार मैं कि साधना का आज से करीब एक साल पहले फैलोपियन ट्यूब का ऑपरेशन हुआ था, उसके वजह से ही अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, उसी की वजह से ही साधना का ये सब इलाज चल रहा है, दैट्स इट। सो अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल, ये देखिए पन्नी रेडी है साधना की हॉस्पिटल जाने के लिए, जहाँ से साधना का इलाज चल रहा है। मोनिका गुप्ता मैम है, आराम मशीन में रहती हैं। सो अभी जा रहे हैं हम लोग, चलें। चलो देखो साधना चश्मा लगा के तैयार है, साधना चश्मा में इतनी अच्छी लगती है, इतनी लगती है नहीं आंटी के जैसी नहीं, देखो आज खुद ही बोल ले आंटी के जैसी। हाँ 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 सर, तुम क्या हो सो, हमें ने क्या था ही पहले? नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं कह ही नहीं रहा था आंटी, पता है कमेंट में भी कहता आदमी कहता ही, कई जने के साधना आंटी जैसी लगा चश्मा में। हाँ तो यार देखो जो बात सत है उसको भी तो नहीं नकार सकते अपन लोग, है कि नहीं? अब तुम जैसे चश्मा में आंटी जैसी लगती हो तो लगती हो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम्हें एक बात बताओ, लॉजिक बताओ इस चीज़ का, बात का कि तुम अगर इसमें चश्मा लगा लेती हो तुम आंटी ऐसी लगती हो, तो अब लगती हो तो लगती हो, कहन दो आंटी, कह भी से तुम आंटी थोड़ी ना हो जाए, तुम्हारी उम्र तो अभी कितने गए 24 साल की हो तुम। हाँ मानो तुम लगा तो 30 साल जैसी, लेकिन उम्र तो 24 ही रहे। तुम ज्यादा वो ना करो, मुझे सब समझ में आ रही कि तुम का कह रहे, तुम भी उन्हीं की तरह बोल रहे। हे भगवान तुम्हारी उम्र चलो लगे ते हल्ला कर देखो भाई साहब, औरतन को समझावो और भैंस के आगे बीन बजावो, सेम है। Than twice, same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. आप देख सकते हो ट्रक के पीछे लिखा है हैवी ड्राइवर, ये नंबर के नीचे लिखा हैवी ड्राइवर, तो भाई साहब बहुत बड़े हैवी ड्राइवर हैं ये। भाई तो धीरे धीरे चला रहा है, ये देखो ये लिखा है हैवी ड्राइवर। भैया ट्रक किसको धुआं छोड़ रहा हो भाई, कोई को दस्त मस्त लग रहा है का? दस तो नहीं गट्टी भरी वाने अभ्याल अभ्याल, नहीं नहीं सुबह में तो धूला कर रही हो, बाबा से कर रही कि ट्रक को कर रहा हो, जो भी समझ लो।
तो गाइस हम लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं, ये देखो सामने शिवम पॉली क्लिनिक। सो चलो जल्दी से चलते हैं, मैम को अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं, दवाई लेते हैं और फिर वापस घर पे चलते हैं। आओ भाई घिसी पिटी जिंदगी। हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल से, गज्जा चौमीन खा गई, देखो वो गाय चौमीन खा के आ रही है वहाँ से। तुम दबा दो एक प्लेट चौमीन गैया को, ये पता है ना, तो गाय को चौमीन खिलाओ ना ही तुम चौमीन दे। फल फ्रूट खाने वाली थी तो साधना ने दवाई ले ली है मैम से और देखो कितना खुश हो रही है। सो चलो अब चलते हैं घर पे। जिंदगी में रो के क्या कर रहे हैं, जो लिखो वही है, वो ही है, आदमी थोड़ी ना ऐसे सोचते। हाँ सही बात है, बहुत अच्छी बात बोली साधना ने, देख जिंदगी है भाई, हंस के जी लो। हाँ सही बात है, मतलब जितनी जिंदगी है उसको अच्छे से जियो, हंस के जियो, जो होना है वो तो होना ही है, दुखी रहने से कुछ बदल नहीं। राम मेरा चिराखा। हाँ दुखी रहने से बीच में क्यों बोल रहे, तो दुखी रहने से कुछ बदलेगा नहीं, इसलिए हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और जिंदगी के आनंद लो, है कि नहीं। ये देखो आर्मी वालों का ट्रक जा रहा है, चलो चलो चले। देखो भैया रहे मम्मी को चल रहा है डिनर, ढक्कन में रोटी खा रही है, बर्तन नहीं मिलो आपको, काय को बड़ा बड़ो। अच्छा काय को बड़ो बर्तन बड़ा है तो छोटे में ही खा लो, सही है। और हाथ में पूरी लेके खा रही है, देखो बर्तन धोने की वजह से मम्मी हाथ में पूरी लेके खा रही है और ढक्कन में सब्जी खा रही है, सही है। ए जेबी डर गई, डर गए मम्मी तो बड़े भयानक डर गई यार सांप से। आज मम्मी सांप के बिल में गई थी, उतई सांप सॉरी बिल के बाहर है, मम्मी बामी गई थी आज सांप की पूजा करन, तो सांप उतई से आगो मिलवे हो मिलवे आओ, डरानी नहीं है, डरानी नहीं है, इतने भयानक तो डरा गए आप। और गाइस आप लोग सोच रहे हो मम्मी खाना खा रही थी, तो मम्मी देखो खाना खा चुकी थी इसीलिए मैंने मम्मी को डराया ना, आप लोग सोचो खाना खाते टाइम। ये देखो आप पकड़ रहे पहले को, ये पहले को ये। चलो भज जा रहे हैं, हम भी करते अपना डिनर, जहाँ कद्दू की सब्जी है, जहाँ आलू बैगन की सब्जी है और जो बढ़िया गर्मा गर्म रोटी है विद घी। गाइस फिलहाल रात के बज चुके हैं 9:30 और करते हैं आज के ब्लॉग को खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल बनाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली ख्याल रखो, सभी को राधे राधे। और ये देखो मम्मी ब्रश कर रही है, राधे राधे। I tried to let go of all of the nonsense that you, but that you pulled me through.